तो भैया सुबह के सबको गुड मॉर्निंग और सबको है राम राम। तो भैया नया दिन नया सवेरा और ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऊपर वाले ने कल रात इतनी अच्छी तरह से वापस घर भेज दिया, अच्छी सी पार्टी में ले गए और सुबह को एक गिफ्ट भी पसंद आया। सुबह ने एक कार गिफ्ट दी, तूने तो दी गिफ्ट भाई, तो इसी ने दी, चीटिंग कर रहा है। नहीं आप तो सुबह देखो भाई, सुबह भाई चीटिंग करने वाला है। ये देखो ये कर रहा है चीटिंग भाई, देखो आपने तो झूठ बोला। तो यार ये रही ममता जी हमारी। तो यार अब आज जाना है घर को, तो खरीदनी है सब्जियां। आज है गांव और गांव जाते ना मजा आ जाता है यार। तो फिलहाल चलो हम लोग तो पहले नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से, और आज लगने वाला है बहुत बुरा जाम क्योंकि आज है कैंची में पूजा और कैंची मतलब पैक होगा। अब उसी बीच के रास्ते से हमें भी निकलना है, तो देखते हैं कितना जाम मिलता है रास्ते में। फिलहाल घर के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं पहले जाके। तो यार अभी फिलहाल निकल गया मंडी की तरफ क्योंकि घर के लिए लेके आने हैं कुछ फल फूल, और परसों है श्राद्ध। फिलहाल होके आते हैं मंडी और यहाँ आज है नीम कड़ोरी बाबा की आज स्थापना दिवस है, तो आज वहाँ पर जगह जगह पर लगे हैं अपने स्टॉल, लोग सेवा कर रहे हैं लोगों की। कहीं पर फल फ्रूट वितरण हो रहा है, कहीं पर पानी बांट रहे हैं, कहीं जूस बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद बट रहा है। तो चलो भैया फिलहाल तो चलते हैं हम लोग मंडी। ये देखो भैया हमारी हो गई गांव जाने की तैयारी और मम्मी भूल गई फिर से सामान, चौथी बार घर का दरवाजा खुल रहा है यार। पसीना हाई पसीना, इतना इसी चलाने के बाद भी हाई पसीना, उफ पसीना। पानी डाल के रखा है इसने, पता है सबको बता दूं क्या, ब्यूटी वाटर डाला है इसने। पसीना इसी ना कुछ नहीं है भाई, ब्यूटी वाटर है वो। नहीं है। अरे यार कितनी बात है, बालों में डाले हैं सूख गया। नहीं सूखा अभी, पर बाल दिखाऊंगा। कतई खतरनाक लग रहे तेरे, क्योंकि मैंने इसको ऐसे या बीच में ऐसे कर दिया। बताओ ऐसे क्या, फिर ऐसे क्या बीच में ऐसे कर दिया। बात तो भाई, बात तो माननी भाई, बात तो सही है भाई, मजा तो है नहीं भाई। अब मम्मी का करते हैं इंतजार क्योंकि मम्मी गई भूल मिठाई डब्बा, और वो जो पीछे वहां रखा है डैशबोर्ड में उसको उठा था। हम पहुंचने वाले हैं बीन दाल, हमने बीच में मक्के भी आए थे, मैंने खा लिए। ये पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, मम्मी खा रही है, ये देखो। वाह क्या मक्के का टेस्ट था यार, सब ऐसा दिल खुश हो, तेरा दिल खुश बनी हो मक्का खा के। हाँ दिल खुश हो गया। लीची तो उससे भी बेटर थी भाई, बेटर यार खतरनाक बेटर। बट मक्के का अलग मजा है, लीची का अलग मजा है। पहुंचने वाले हम भी मिलताल, जब पहुंचेंगे तो ब्लॉग बनाएंगे तब तक लिए। तो यार इतना लंबा जाम लगा है, ये है आपका कैंची धाम के लिए। कम से कम 2 किलोमीटर का तो हम लोग निकल चुके हैं, और जितना भी कैंची धाम वाला था ट्रैफिक वो कर दिया यहाँ को डाइवर्ट अपना धानोचुली से, ऐसा लग रहा है क्योंकि चांफी पुल पे भयंकर जाम है। मेरे को लगा था यार आज तो जाम मिला ही नहीं हमको बिल्कुल भी। ये खुश हो रहे थे, मैं खुश। बट ये देख रहे हो अभी भी ये, अरे भाई साहब इन्हें खत्म तो हो जाएगा ना बेटा, तगड़ा जाम लगा भाई, तगड़ा जाम। और है कहाँ तक भाई साहब, ये चांफी पुल से लेकर के चलाया जा रहा है बस जाम ये। अब अपनी तो किस्मत अच्छी है बहुत ज्यादा, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं तो हमारी लाइन हमेशा चालू रहती है, चालू और सीधी भी बस। देखा हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ओ तो ऊपर बैंड तो गया, ऊपर बैंड से भी पीछे तक जाम लगा हुआ है। जब तक यहाँ पुलिस वाले नहीं आएंगे ना, इतनी खुलने से नहीं रहा, खुलेगा ही नहीं। क्या करें, निजी को कटवा लें फिर तुम्हारे यहाँ को, ये जाने नहीं देंगे हम। हो गया हैं जी को, ममतू का ससुराल, मायका सॉरी मेरा ससुराल। अरे भाई साहब,
ऊपर ऊपर बैंड तक लगा है देखो ऊपर बैंड भी मुड़ी है गाड़ियां तो वो अरे वो भाई पर... यार ये पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा जाम है बैंड से भी दूर है अभी तो जाम लगा है भीमताल वाले पार्ट पे बिल्कुल जाम नहीं है मतलब बड़ा स्मूथ ट्रैफिक चल रहा था एकदम सही और ट्रैफिक लगा है आपका इस वाले पार्ट पे चांफी वाले पार्ट पे जहाँ उम्मीद ही नहीं कर रखी थी कि यहाँ ट्रैफिक लगेगा करके गुस्से नहीं खुश हो गए गुस्से क्या होता है दुनिया पूरी टेढ़ी हो गई है टेढ़ी हो रही दुनिया तो यार हो गया है शाम का टाइम और आज जाम से हो गई थी खराब ये देखो क्या सुंदर सा नजारा है यहाँ से ये देखो अरे नहीं वो खाली से सट्टे मार रहा है यार सुबह भाई ने पकड़ लिया अपना थैला मम्मी ने पकड़ लिया खाना और अब हम जा रहे हैं ऊपर कहीं नाश्ता करने क्या है कुदरत अब हम जा रहे हैं ऊपर नाश्ता करने अरे यार यहाँ तो फेंसिंग कर रखी है हम तो नहीं जा सकते ये पूरा तार लोहे से बंद कर रखा पूरा तार वाले तो यार ये चल गई हमारी टोली ये लगा दी हमने अपनी गाड़ी पार्क और ये हम चल दिए हैं नाश्ता करने के लिए हमारी शाम का नाश्ता बस यहाँ बैठो अब ये है शाम का कौन टिपक गया था अभी ऊपर नहीं सुबह यहीं पर बस यहाँ पर बैठेंगे उतनी दूर नहीं यार हाँ यहाँ पर ये मेरी कुर्सी है भाई ये मेरी कुर्सी है ये कुर्सी मेरी है काय कुर्सी ये तो है ऐसे बैठने वाला काय ये ओए चीटिंग है भाई ये तो यार पहले आ जाते तो बोल रहा था कहाँ है मैंने कहा बता देता हूँ उसको बैठ जाओ बस तो यार आज आया है नाश्ते में लगाए फिर मतलब अबे यार लाई में हूँ ऐसी खेड़ी कर दी मैं यार ये आया है हमारा खाना इसमें है रोटी आलू के गुटके और अचार तो हम लोग कर लेते हैं भैया फिलहाल और ये है भुक्कड़ देखो हमारे साथ ये देखो हमारे साथ ये अंटछंटी चीजें खाता है तो यार पहुंचने वाले हैं घर के पास और बस जस्ट अभी हम लोग निकले हैं विष्णु मंदिर से होते हुए आगे को और जो विष्णु मंदिर है वो आपने अगर सुना हो नाम पनार नदी का तो पनार का उद्गम स्थान है विष्णु मंदिर के यहाँ पर से और यहाँ पर की एक कहावत है कि यहाँ से रोज एक रत्ती सोना कम से कम पानी में बहता है तो सोचो कितना सोना यहाँ बहता होगा भाई और अभी हमारे साथ आ गया था सागर ये रहा सागर भाई तो ये हमें मिल गया था सर फाटक में ये भाग रहा था घर से इसको रास्ते से उठा के लाए हैं पकड़ के लाए हैं तो यार अब इसको उठा के ले जा रहे हैं घर को हम लोग अब ये भागना नहीं चाहिए है सुबह सुबह ने पकड़ा यार दादा को दादा के पाँव पकड़ दिए क्या कहा तूने दादा से मत जाओ प्लीज मत जाओ ऐसा कहा रहे तूने क्या कहा तो यार अभी पहुंच गए हम लोग डोल आश्रम और ये रहा हमारा डोल आश्रम ये देखो शिव जी की बड़ी सी मूर्ति तो यार ये आ गई हमारी गांव की रोड ये देखो हमारी गांव की है अभी रोड बनी नहीं है बट अपने गांव तो अपना गांव होता है और ये देखो हमारे गांव के ये पहाड़ आग लग गई थी भाई पहाड़ों में हमारे यहाँ सारे पहाड़ों में लगी तो हमारे पहाड़ों में भी लग गई आग कैसे हाँ बताएं अब बुलाते हैं थोड़ी देर में बुबू जी को और दद्दा को चाचा भी नहीं आएंगे ना सामान दे जाएंगे तो भैया अभी आ चुके हैं अरे मेरे लिए कुछ नहीं लाया पापा और माय स्वीट मम्मी आ चुकी है घर में ही है ड्राइंग बना रहे और ये अमो मैं तो तेरा मार्कर भी लाया हूँ
तो यार पहुंच गया आखिरकार घर, और रास्ता रहा बड़ा थकान भरा आज का, इतना ज्यादा ट्रैफिक। और ये देखो भैया, ये अपने परिवार में बैठने का मजा ही अलग है। बैठा हमारे सेठ जी, देखो ये देखो सेठ जी हमारे यार। तो यार थैंक यू परवाले का सकुशल घर पहुंचाने के लिए। तो भैया करते हैं पहले घर में दावत, थोड़ा गप सप, हाथ पांव छू दिए, सबसे हो गई मुलाकात, और देखते हैं जिसके बाद मम्मी ने क्या स्पेशल बना रखा है। ये रहा मेरा सुंदर सा प्यारा सा गांव, ये मेरी जा ओ माता, ये वीडियो में कुछ नहीं बोलती मेरी माँ। ये देखो ये यहाँ जलिए बढ़िया सी आग, और मेरी मम्मी बनाती है आग में खाना। ये हमारे भगवान जी जिनकी रक्षा से यह सब बढ़िया चल रहा है। और ये मेरी माँ ने बनाए हैं सारे, देख रहे हो नीचे जो डिज़ाइन है, ये देखो चूल्हे के पास पे क्या मस्त बना रखा, देख रहे हो एकदम ट्रेडिशनल वाला। और ये लेके आ गया था मैं एक छपरी भर के लाल आम, और यार अब हो रही है बैटरी खत्म तो फिलहाल क्या शिमला। ये देखो ये यहाँ बन रही है चूल्हे में बढ़िया सी, ये देखो रोटी, हाय हाय हाय, देख रहे हो यार मंतो ने यहाँ बना दिया है कुकर में, बढ़िया मम्मी ने, सब मम्मी ने बनाया, सब मम्मी ने कर रखा, खाली हिला डुला रही है बस। देखो क्या मस्त मस्त रोटियाँ बनने की, हाय हाय हाय, ये है हमारा पहाड़ जिंदाबाद। तो यार हो गया सोने का टाइम, तो भैया ये आ गए हम वो नीचे से ऊपर, और ये हमारा सुबह भाई, ये देखो ये हमारे घर के आलू हैं, देख रहे हो ऐसे रहते हैं, बिखरे हुए हैं, इसको खाने के लिए डाल रखे हैं। अरे हमारा कमरा, हमारा बेडरूम, ये पूरा गोबर से लीप रखा है जितना दिख रहा है, गोबर से, और बाहर से फिर पेंट लगा रखा है इसमें। ये देखो सुबह सो रहे हैं, ये हमारा गेस्ट हाउस, और ये जितनी भी पेंटिंग दिख रही है सब मैंने बनाई थी, ये भी मैंने बनाई है ना, जबरदस्त। भैया चलो भैया आप करते हैं गुड नाइट, यहाँ भी पंखे चल गए बताओ, यहाँ गाँव में भी पंखे नहीं चलते थे। इस बार एक टारगेट ले रखा है, पूरा होगा तब बताऊँगा, टारगेट है पूरा। बोल यार बोल यार प्लीज। तो यार अब करते हैं आराम, और ऊपर वाले का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सकुशल घर पहुंचाया और पूरे परिवार को ठीक ठाक रखा, तो इससे अच्छा हो क्या हो गया। आप जहाँ हो सही हो, परिवार जहाँ है सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, और सब खुश हैं, धन्यवाद भगवान जी। तो चलो भैया अब कल आपको दर्शन कराएंगे अपने गाँव के बढ़िया से। चलो सी यू गुड नाइट।